हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप परफेक्ट तरीके से किस तरह पोच को बना सकती हैं। सो पहले सबसे पहले आप एक नॉन स्टिक पैन ले लीजिए और फ्लेम को ऑन कर दीजिए। फ्लेम इसके अकॉर्डिंग ही रखिएगा। ये बिल्कुल पूरी तरह गर्म हो जाना चाहिए और इसमें 1 टीस्पून आप तेल डालिए। ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये नॉन स्टिक है, ऐसे भी ये चिपकेगा नहीं। और इसको चारों ओर स्प्रेड कर लीजिए इस तरह, और ये पूरी तरह गर्म होना चाहिए तभी पोच अच्छे से बनती है। जो हम लोगों को चाहिए पोच जो होता है बिल्कुल परफेक्टली हर किसी से नहीं बन पाता है। तो मैं दिखाऊंगी कौन से टिप्स से आप इसे परफेक्टली तरीके से बना सकती हैं। तो ये देखिए, ये बिल्कुल गर्म हो चुका है और एक स्पून की हेल्प से आप इसे अंडे को इस तरह तोड़िए ताकि, और एकदम धीरे धीरे इसे डाल दीजिए। देखिए ये कितने अच्छे से डला है, और फ्लेम को सिम पे कर दीजिए। बस अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर सॉल्ट डाल दीजिए और मैं ब्लैक पेपर भी डालती हूँ, बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। बस आपको फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे ढक दीजिए। बस इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका पोच बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा। ये देखिए, और इसको 5 मिनट के लिए इसी तरह आप छोड़ दीजिए। तो ये देखिए आपका पोच रेडी हो गया। ये बिल्कुल बहुत धीरे धीरे निकालना होता है क्योंकि ये येलो पार्ट जो होते हैं वो पूरी तरह नहीं हार्ड होते हैं, तो इसे बहुत ही धीरे धीरे आप निकालिए। और इस पे देखिएगा, ये पोच पूरी तरह नहीं पकाया जाता है, ये हल्का हल्का गीला ही रहता है। तो ये होता है परफेक्ट तरीके से पोच बनाने का तरीका। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। जो बिगनर होते हैं उन्हें ये नहीं पता होता है कि पोच किस तरह बनाया जाता है। ये खाने में बहुत टेस्टी रहता है, हेल्दी भी होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन होते हैं, तो कच्चा आप जितना खाइएगा वो उतना ही आपके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। तो होप यू गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।